और एक फार्मूला है IQ, अगर आप समझना चाहेंगे तो समझा दूंगा। चाहेंगे समझना IQ क्या होता है? टेस्ट करेंगे अपना अपना IQ? ठीक है, टेस्ट करवाएंगे आप लोगों का IQ। ठीक है, गूगल पे जाइए, IQ टेस्ट मिल जाएंगे, टेस्ट कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? आजकल तो बड़ा आसान है, इसमें दिक्कत है ही क्या? देखिए क्या है, पहले जो था ना एक ही विषय हुआ करता था, सारे उसके छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे, बधाई हो 8 बच्चे हुए, तो जो माता जी थी इनका नाम था फिलोसफी। और एक जमाने तक कहा गया कि सारे विषयों की माँ जो है वो फिलोसफी है, फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, ऐसा वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि पहले किसी कुछ आता ही नहीं था, तो लोगों ने ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करना शुरू किया, तो उसे बना फिलोसॉफी। सोफिया होता है प्रेम, मोहब्बत, फिलो मतलब ज्ञान, तो ज्ञान से मोहब्बत, जिनको ज्ञान से मोहब्बत थी वो फिलोसफर कहलाए। वो हर चीज पढ़ते थे, हर चीज समझते थे। धीरे धीरे लोग अलग होते गए, भाई तुम ये समझ लो, मैं ये समझ लेता हूँ, मैं पृथ्वी चंद्रमा तारे इन पे ध्यान लगाऊंगा, तुम भैंस ऊंट गाय पे ध्यान लगा लो। भैंस ऊंट गाय वाला क्या बना के चल गया? जूलॉजिस्ट बन गया, और वो एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज वाला बन गया, ऐसे तो हुआ। फिर एक ने कहा कि मुझे तो कबूतर वबूतर ज्यादा अच्छा लग रहा है, और एक ने कहा मुझे घास और अमरूद अच्छा लगता है, तुम बोटनिस्ट बन जाओ, बोटनी चढ़ाओ भाई, और तुम दोनों का एक ही बड़ा घर है, तुम बायोलॉजी के लोग हो गए, ऐसे ही हुआ ना। एक बोला कि मुझे ये समझना है कि जो राजा, ये आदमी राजा कैसे बन गया, कैसे सरकार चला पा रहा है, तो पॉलिटिकल साइंस कर लो तुम, चलो तुम सोशियोलॉजी कर लो। ऐसे करते करते सारे विषय कहाँ से पैदा हुए? फिलोसफी से पैदा हुए। फिलोसफी की विभिन्न ब्रांचेस में से एक ब्रांच का नाम था साइकोलॉजी, और ये बात 1850 से पहले तक पूरे इतिहास की है। इसलिए जो फिलोसफी के विद्यार्थी हैं वो कभी कभी ये पढ़ के बड़े रोमांचित होते हैं कि साइकोलॉजी किस हिस्से को बोलते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मेटाफिजिक्स में 3 हिस्से होते हैं, ईश्वर, आत्मा, जगत। आत्मा से संबंधित सारे चिंतन का सम्मिलित नाम है साइकोलॉजी। तो फिलोसफी के अंदर साइकोलॉजी का मतलब है आत्मा या मन या चेतना, इससे संबंधित जो भी चिंतन है उस सारे चिंतन को एक साथ बोलते हैं साइकोलॉजी, जो मनुष्य के चेतना प्रक्रिया के बारे में, चिंतन प्रक्रिया के बारे में डिस्कस करता है। तो जब ये चल ही रहा था तो इसमें दिक्कत क्या थी? इसमें दिक्कत एक थी, ठीक है, फिलोसफी और साइंसेस में एक खास अंतर है। फिलोसफर कभी रिसर्च नहीं करता है, लेबोरेटरी में नहीं जाता है। फिलोसफी की कोशिश होती है तार्किक चिंतन के माध्यम से समस्याओं का समाधान करें। इसलिए आप देखेंगे बाकी विषयों को आप शास्त्र और विज्ञान दोनों कह सकते हैं, जैसे समाज शास्त्र समाज विज्ञान, राजनीति शास्त्र राजनीति विज्ञान कह सकते हैं, भौतिक शास्त्र भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र रसायन विज्ञान, कहीं कोई समस्या नहीं है। पर दर्शन शास्त्र को दर्शन विज्ञान नहीं कह सकते। आपने दुनिया में आज तक नहीं सुना होगा कि इसे दर्शन विज्ञान कहा हो, कह ही नहीं सकते, क्योंकि विज्ञान की मेथोडोलॉजी होती है रिसर्च करो, एक्सपेरिमेंट्स करो, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते तो ऑब्जर्वेशन करो। अब जैसे भूकंप का एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते हम, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो जो कंट्रोल सिचुएशंस हैं एक्सपेरिमेंट करो, जो कंट्रोल नहीं है उसका ऑब्जर्वेशन करो, उसको नोट डाउन करो, हाइपोथेसिस बनाओ और करते करते निष्कर्ष निकालो। ये तरीका जो है हाइपोथेसिस से थीसिस पर जाने का तरीका, ये विज्ञान का तरीका है। दर्शन के लोग रिसर्च नहीं करते उस तरह से, वो लॉजिकल काम करते हैं, सोचते हैं क्या यार दुनिया क्यों बनी होगी। सोचो दुनिया बनाने कोई, किसने बनाई होगी तो नंबर लिखो, किसी ने बनाई होगी, कैसे बनाई होगी, कौन हो सकता है, कोई नहीं मिल रहा, ईश्वर लिखो उसके आगे, ईश्वर ने बनाई होगी। ईश्वर कैसा होगा, पुरुष के स्त्री, यार ऐसे नहीं, इससे परे लिखो, परे होगा इन दोनों से। ये प्रयोग नहीं हो रहा, लेबोरेटरी में जा भी नहीं सकते ना, ईश्वर किस लेबोरेटरी में मिलेगा, सीधी सी बात है। इस वजह से लॉजिकल कंक्लूजन निकालने का प्रोसेस है दर्शन। दर्शन के लोगों से साइकोलॉजी के शुरुआती लोगों का झगड़ा हुआ, वो कहते थे कि हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं। दर्शन के लोग कह रहे थे क्या बकवास कर रहे हो यार, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करोगे, लोगों से पूछोगे, बातों करोगे, इससे क्या निष्कर्ष निकलेंगे, बेकार की बात है, इतना काफी तो है। अंततः साइकोलॉजी छटपटाते छटपटाते इस क्षेत्र से बाहर निकली और 1850 में पहली बार साइकोलॉजी एक नया विषय बना, जहां से इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर कंक्रीट लेबोरेटरी स्टडीज शुरू हुई। उसके पहले हवाई बातें चल रही थी, जो दार्शनिकों की बातें थी वो सब चलती थी। और ये होने के बाद लगभग इसके 20-25 साल के बाद 1879 में एक यूनिवर्सिटी है, लिप्ज़िग बोलते हैं उसको, 1879 में पहली लेबोरेटरी बनी, पहली लैब, यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्ज़िग है, इसका नाम आपको जानने की जरूरत नहीं, वैसे ही इंटरेस्ट तो केवल लिखने। यहाँ पहली लेबोरेटरी बनी साइकोलॉजी की, एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे उसमें विलियम वुंड नाम के, उन्होंने बनाई थी। और 1879 से एक्सपेरिमेंट बेस्ड साइकोलॉजी शुरू हुई, और इसके केवल 20-21 साल के बाद इंटेलिजेंस की धारणाएं वैज्ञानिक तरीके से हमारे सामने आनी शुरू हो गई।